नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा रमन, जय घोष यूट्यूब चैनल से साथी हूं। आज मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और गाजीपुर के करंडा ब्लॉक अंतर्गत सोनारिया गांव में उपस्थित हुए हैं। हमारे बगल में बैठे हुए हैं प्रमोद दुबे जी, जो अच्छे यूट्यूबर हैं, समाज सेवी हैं और समय समय पर समाज की जो मौलिक समस्याएँ हैं उन पर प्रकाश डालते रहते हैं और उस पर उसके निराकरण के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। दुबे जी, आपको जय घोष चैनल का आपका स्वागत करता है और मैं आज चाहूँगा कि जो करंडा क्षेत्र की मौलिक समस्याएं हैं उन पर आप प्रकाश डालें। बहुत बार आप कहते हैं कि ये समस्या है, वो समस्या है, डीएम नहीं सुन रहा है, प्रमुख नहीं सुन रहा है, जिला पंचायत सदस्य नहीं सुन रहे हैं, वीडियो नहीं सुन रहा है, तो कुछ समस्याएं हैं जिनको आप बता सकते हैं। देखिए, ये राघव शर्मा जी हैं, वेल एजुकेटेड जिसको कहते हैं आप, ये अपने आप में एक उदाहरण है। सोच लीजिए, एक इंटर कॉलेज में आप प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं लेकिन वित्त विहीन स्कूल है, वह एक समस्या है, याद रखिएगा अच्छी तरह से। पहला समस्या तो यह है कि पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है और ये बड़े पुराने प्रिंट मीडिया के भी पत्रकार रह चुके हैं, पत्रकार के साथ साथ एक कवि भी हैं। इनका एक उपनाम है रमन जी, राघव शर्मा रमन जी। मारपीट होती है करंडा में, बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर आध्यात्मिक पीठ भी है। इधर अगर आप जाएंगे पश्चिम में तो मौनी बाबा है, पूरब में जाइएगा तो नागा बाबा है और थोड़ा सा दूर हट जाइएगा तो पौहारी बाबा है, जहां पर कि विवेकानंद जी ने 6 महीने तक तपस्या की थी और विवेकानंद जी ने अपने आत्मकथा में लिखा कि यदि मैं रामकृष्ण परमहंस से नहीं मिला होता तो शायद पौहारी बाबा मेरे गुरु होते। राघव शर्मा रमन जी लंबे समय से इस इलाके की समस्या के संदर्भ में लिखते हैं। पहली समस्या खेती की, गेहूं चावल पैदा करने से किसानों को पेट भर सकता है, उनका जीवन नहीं चल सकता है, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल सकती है, उनके परिवार को स्वास्थ्य नहीं मिल सकता है। और दूसरी जो है समस्या है सड़क। देखिए, हम देख रहे हैं कि यहां पर एक्सप्रेस वे बना है लेकिन आप कहीं किसी गांव में जाइए टूटी फूटी सड़कों मिलेगी, तो दूसरी समस्या है। तीसरी जो समस्या ये है शिक्षा की। मैं कहता हूं राघव शर्मा जी एक अभियान चलाते हैं कि क्यों नहीं इन प्राइमरी स्कूलों को नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय के तहत कर दिया जाए, सारा देख रेख वहां से हो, झंझट ही खत्म हो जाए। अगर आपस में मिल जाइए, अब आप साधन सहकारी समिति को ले लीजिए, आप पता कर लीजिए करंडा की जितनी साधन सहकारी समितियां सब में ताला लगा हुआ है, वो कभी कभी जो है खाद आती है मिलता है, तो आखिरकार में किसानी हुआ, स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, सुरक्षा हुआ, कुटीर उद्योगों पर ध्यान देना होगा, हमारा तो यही कहना है। अब आगे राघव जी, जैसा कि आपने कहा कि बेरोजगारी की समस्या है या कुटीर उद्योग की समस्या है, हमारे जिले में दो, एक जो है सूता मिल है वहाँ पे बहादुरगंज की, जी जी, वो भी आज बंद है, और हमारे यहाँ नंदगंज में चीनी मिल हुआ करती थी जहाँ पर पूर्वांचल के अधिकांश जिलों से ईख गन्ना आया करता था और इसकी सप्लाई दूर तक होती थी, लेकिन दोनों बंद पड़ी हुई है। क्या ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं चुन के जाते हैं, अपने मौखिक एजेंडे में इसको रखते हैं लेकिन उसको पहल नहीं करते हैं, चुनकर जब जाते हैं, आखिर क्या वजह है? यहाँ की जनता मूर्ख है या यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं मनमानी करते हैं? राघव शर्मा जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनका परम कर्तव्य है कि वो हमसे संपर्क करें, हमसे संवाद स्थापित करें, हमारी समस्या को सुने। जी, हम तो खुद चाहते हैं कि स्थानीय स्तर पर एक संसद हो जहाँ हम अपनी बात कहें, और उनका यह परम दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है कि वो हमारी आवाज को संसद में उठाएं। एक बात, अगर वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल भी कर दें तो अगर कोई मिल जाए तो चीनी मिल कल ही शुरू हो जाएगी। जी जी, और इसके बाद जो है बहादुरगंज की कताई मिल भी शुरू हो जाएगी। सवाल यह है कि जब जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह समझ लेता है और सामान्य आदमी वहां पर टिक नहीं सकता, वहां पर बातचीत नहीं कर सकता, तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। तो हम एकजुट हों और एकजुट होकर के अपने सांसद महोदय को, अपने विधायक जी को, अपने मंत्री जी को हम लोग एकजुट होकर के लिखित करें कि आप हमारी समस्या को समझिए, सरकार से बात करिए, निश्चित रूप से समस्या का समाधान होगा। अच्छा, ये सदन में जब जाते हैं तो अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को पुट अप क्यों नहीं करते हैं दुबे जी? देखिए, दो बातें हैं, यदि उनकी पार्टी की सरकार है ये डरे हुए होते हैं, ये डरे हुए होते हैं कहीं हमको 6 साल के लिए बाहर निकाल दे अगर हम बोलेंगे तो। देखिए, जो सत्ता में होता है उसकी आंख फूट जाती है, वो अंधा हो जाता है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, आज जो ही सत्ता से बाहर होते हैं उनको सब कुछ दिखाई देता है। तो दो बातें हैं, जो सत्ता से बाहर हैं अगर वो आवाज नहीं उठाते इसका मतलब है कि अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से नहीं कर पा, और जो लोग सत्ता में है होने के बावजूद भी नहीं करते इसका मतलब है कि वो डरे हुए हैं। तो हमके दोनों जनप्रतिनिधियों को निश्चित रूप से उनको जागरूक करने के लिए अपने स्तर से एक कार्यक्रम अपनाना। अगला सवाल है दुबे जी, हमारे यहाँ चोचकपुर कच्चा घाट है जहाँ पे हजारों साल से इस पार से उस पार लोग गाजीपुर चंदौली
उधर जो है आपका सोनभद्र है, मिर्जापुर है, सारे जिलों के लोग इसी घाट से आते हैं। चोचकपुर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर होगा। यहाँ पे समय समय पर पक्के पुल की मांग होती रही है। ये अंधे बहरे जनप्रतिनिधि हैं, क्यों नहीं संवेदनशील होते हैं इस बड़ी समस्या के लिए? ट्रांसपोर्टिंग की समस्या बहुत है। देखिए, जैसा कि हमने आपसे कहा कि राघव शर्मा यहाँ के कण कण को जानते हैं, अगर बैठे हम लोग तो 2-4 घंटा में भी समस्या का समाधान जो है वो होने वाला नहीं है, न तो इनका प्रश्न खत्म होगा, न हमारा उत्तर खत्म होगा। बड़ा सुंदर इन्होंने बात कही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने सुना कि कम से कम 4-6 जिलों का कनेक्टिविटी है इधर से समझ लीजिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। कई बार यहाँ पर नाव भी डूबी, लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अब देखिए, पीपा का पुल बना है, 2-3-4 महीना चलता है, इसके बाद बंद हो जाता है। तो हमारा तो उस पार के जो भी सांसद अभी जीतेंगे 4 तारीख के बाद तय होगा, हमारा तो जय घोष्टी यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनसे सबसे विनम्र निवेदन है कि भैया सरकार का गठन होने के 1 महीने के पश्चात ही यहाँ पर आप जो है शिलान्यास करिए और तत्काल भाई पुल का निर्माण कराइए, जिससे कि समस्या का समाधान। जी जी दुबे जी, जैसा कि आपने कहा कि करंडा ये तपोभूमि है, मेरे शब्दों में तपोभूमि है, यहाँ पर मौनी बाबा, नागा बाबा और ऐसे बाहर से आने वाले बहुत से संत आए। यहाँ पे दुर्वासा ऋषि भी आए हैं, यहाँ कड़वा ऋषि भी आए हैं, यहाँ भी सौमित्र की तपस्थली रही है, मेनका, शकुंतला, सब लोग यहाँ पैदा हुए, भरत जी भी पैदा हुए, भरकुंडी था आश्रम, आज भी है वो। तो कणकण में यहाँ पे महर्षियों ऋषियों का स्थान रहा है, लेकिन जैसी बात आपने कहा कि यहाँ पे बात बात पे जो है डंडा गोजी चलता है, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें लोग मर्दानगी दिखाते हैं कि या तो मौन ही रहते हैं या तो डंडा उठाते हैं तो कुछ करके दिखाते हैं, लेकिन चोरी चमारी छिनैती वाला क्या समस्या या अपहरण बलात्कार वाला मामला यहाँ पे आता है क्या? देखिए राघव शर्मा जी, पिछले 30 साल से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं और हमारे यहाँ से कई पत्रकारों की हत्या भी हुई है। जी जी, बालू माफियाओं ने करवाया, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं जहां तक अभी जौनपुर में कोई पत्रकार मारा गया। तो साच कहूं तो मारन धाऊ, झूठे सब जगपतियाना, संतो रे जग बुराना। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, कुरान पढ़ें, बाइबिल पढ़ें, जब हम उसके अनुसार ही नहीं जिएंगे, जब हम चरित्र में नहीं ढालेंगे, तो फिर यहाँ पर कोई भी महात्मा हो उसका क्या मायने है। अभी क्या नाम है उनका बाबा का? शिवपूजन बाबा। शिवपूजन बड़ा अच्छा इन्होंने उसका उन्होंने वीडियो बनाया। बाबा मौन रहते हैं, जब बाबा मौन रहते हैं तो वहां जाकर के उनके मौन के भी यथार्थ को पढ़िए, वे मौन होकर भी मुखर है। हाँ हाँ। तो सवाल सबसे बड़ी बात यह है कि अगर शास्त्र को, शस्त्र को या तमाम प्रकार की चीजों को जनता के अनुकूल नहीं बनाइएगा, समाज के मर्यादाओं के अनुकूल नहीं बनाइएगा, तो मारकाट तो होती रहेगी। जी जी। और आपको के पास लज्जा नहीं है, आपके पास अपने अपना कर्तव्य बोध नहीं है कि हम रुद्राक्ष की माला पहने हैं, टीका पहने हैं, इसके बाद जो है गलत काम करते हैं। तो भैया, जब तक ज्ञान को चरित्र में नहीं उतारिएगा, तब तक कोई कल्याण होने वाला नहीं। दुबे जी, ये जो जैसे कि सोनारिया में आपकी जन्मभूमि है और कलकत्ता में आपकी कर्म भूमि है, तो क्या आप जहाँ रहते हैं वहाँ की स्थानीय समस्याओं को भी पुट अप करते हैं क्या? हमारी देखिए, राघव शर्मा जी से हम लोग एक बार जुड़े तो जुड़े ही रह गए। जब YouTube का जमाना नहीं था, पूछिए राघव शर्मा जी से, तो हम लोग भी हमेशा जो है बातचीत करते रहते हैं और राघव शर्मा जी कविता के माध्यम से भी स्थानीय समस्याओं को उठाते हैं। कभी जो है यहाँ के लोगों को, यहाँ के कई स्कूलों ने, कई स्कूल जो है मिलकर के कभी सम्मेलन किया कराते थे, बेचारे लोगों का चलता था, तो वो भी बंद हो गया। बंद हो गया। तो ये कविता के माध्यम से, एक हर माध्यम से करते थे, हमेशा हमेशा जो है हमारी राघव शर्मा जी से बात होती रहती है कि राघव शर्मा जी, ऐसा क्या किया जाए कि हमें पंजाब न जाना पड़े, हमें गुजरात न जाना पड़े, हमें दिल्ली न जाना पड़े। हम वहां गाली सुनते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हम प्रदेश में रहते हैं, बड़ा सम्मान है, एकदम फराड बात है। वहां आप पूछ लीजिए उत्तर प्रदेश बिहारियों की क्या इज्जत है, महाराष्ट्र में और गुजरात में आपको पता चल जाएगा। तो राघव शर्मा जी से हमारी ये जरूर बात होती है कि भैया स्थानीय स्तर पर यहाँ के लोगों को उद्योग पैदा किया जाए, आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाए, निश्चित रूप से इसे हमारा विकास होगा। जी जी, अभी हम स्थानीय प्रमोद दुबे जी से, जो यूट्यूबर भी हैं, पत्रकार भी हैं और समाजसेवी भी हैं, इनसे स्थानीय स्तर पर जो जेन्युइन समस्याएं हैं, जैसे पीपा का पुल है, चीनी मिल की समस्या है, रोजगार की, कुटीर उद्योग की समस्या है, या यहाँ पे स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी उपेक्षाओं का जो हम लोग शिकार होते हैं, उस पर इन्होंने बहुत अच्छा 2 टूक शब्द में कहा, और इन्होंने कलकत्ता में अपना कर्मभूमि बनाया, वहाँ पर भी स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं होती हैं उसको पटल पर रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी, और हम आपको बार बार अपने स्टूडियो में बुलाएंगे और पूछेंगे, इस तरह के सवाल रखेंगे। इस वीडियो को आप देखिएगा, अच्छा लगता है तो ज़रूर आप इसको लाइक करिएगा और अपने
जो आपसे जुड़े हुए चैनल्स हैं या जो आपके जुड़े हुए लोग हैं उसमें भी भेजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।